अभी जिस कुंडली का विश्लेषण करने के लिए हमने लिया है 30 मार्च 1996 22:15 बिलासपुर का इनका जन्म है। सबसे पहले आपको ग्रह स्पष्ट बताते हैं, लगन वृश्चिक है, 5 अंश का है, सूर्य मीन राशि में है, 16 अंश पे है, चंद्रमा कर्क पर है, 26 यानी अपनी राशि में है, मंगल मीन राशि में है, अस्त है, 10 अंश पर है, बुध भी मीन राशि पर है, अस्त है, 18 अंश पर यानी सूर्य की डिग्री के आसपास है, गुरु धनु राशि पर 21 अंश का है, शुक्र स्वाग्रही है, 2 अंश का है, शनि भी मीन राशि पे है, 5 अंश का है, राहु वक्री हो है कन्या राशि पर है यानी अच्छी राशि में है, केतु मीन राशि में है, अच्छी राशि में है। ग्रह स्पष्ट लगभग लगभग ठीक है, लेकिन कई ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। अभी लग्न कुंडली पर यह स्थिति और भी क्लियर होगी और आज इस कुंडली में मैं आपको तरीका सिखाऊंगा कि किसी भी व्यक्ति के कैरियर का निर्धारण कैसे कर रहा हूं। प्रैक्टिकली कुंडली सामने रख करके दिखाऊंगा, जरा ध्यान से देखिएगा कि किन किन टेक्निक्स का मैं प्रयोग करूंगा, इस चीज पे ध्यान देना है। सबसे पहले लग्न कुंडली का विश्लेषण निकाल लेते हैं, रिजल्ट निकाल लेते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, लग्नेश पंचम भाव में बैठा है। अब पांचवें भाव में बैठा है शनि, मंगल, सूर्य, बुध और केतु, 5 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। 5 ग्रहों में शनि मंगल में शत्रुता है, शनि सूर्य में शत्रुता है, तो यहाँ पर कई मित्र हैं, कई शत्रु बैठे हुए हैं। हालांकि इसमें सूर्य से शनि अस्त हो गया, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, लग्न के लिए शनि अच्छा प्लैनेट नहीं मान सकते हैं, शत्रु है, तो इसलिए शनि का अस्त होना यहाँ पर चलिए ठीक है। बुध अस्त हो गया है, कुंडली का अकारक ग्रह बुध भी है, तो यानी 2 अकारक ग्रह अस्त होकर के बैठे हुए हैं। अगर हम डिग्री वाइज देखेंगे तो मंगल और सूर्य समीप में है, तो यानी लग्नेश और दशमेश की युति हम यहाँ पे मान के चलेंगे जो कि अच्छी मानी जाएगी। धन भाव में गुरु अपनी ही राशि में बैठा है जो कि धन के लिए भविष्य में इनको अच्छा करेगा। इसी धन भाव के साथ गुलिक बैठा हुआ है द्वितीय भाव में, जो आगे चल के थोड़ा दांत मसूड़ों में थोड़ी सी शिकायत पैदा करेगा। शुक्र सप्तम भाव में स्वराशि का है, लेकिन ये 20 नवमांश में भी है, इसलिए पत्नी का जो स्वभाव रहेगा वो इनका इनकी पत्नी का स्वभाव बहुत सौम्य नहीं रहने वाला है, कुछ कड़वी स्वभाव की पत्नी मिलेंगे। चंद्रमा भाग्य का स्वामी होके भाग्य में बैठा है। अब इस चंद्रमा को अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा के साथ में कोई प्लैनेट नहीं है, चंद्रमा से पीछे कोई प्लैनेट नहीं है, आगे कोई प्लैनेट नहीं है, चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह नहीं है, 1, 2, 3, 4 यहाँ 7 और यहाँ 10 चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह भी नहीं है। चंद्रमा के ऊपर अगर हम दृष्टि की बात करें तो किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, तो केंद्रम दोष बन जा रहा है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है इसलिए पक्ष बल है, इसलिए उतना गड़बड़ नहीं है, लेकिन फिर भी केंद्रम दोष बनेगा जो मानसिक रूप से अस्थिर रखेगा, विचारों को नहीं स्थिर होने देगा, किसी काम में लंबे समय तक फोकस बनाना थोड़ा कठिन होगा, मन बार बार बदलता रहेगा, कभी ये काम करने का मन, कभी वो काम करने का मन। ये चंद्रमा जो यहाँ पर 4 अंश का कर्क राशि में 26 अंश का है, तो 26 अंश जो होता है कर्क राशि में ये मृत्यु भाग के भी और 20 नवमांश के करीब में भी होता है, यानी चंद्रमा जो है थोड़ा वीक हो रहा है, केंद्रम दोष में भी है, तो चंद्रमा को बलवान कर देना चाहिए क्योंकि ये भाग्य का स्वामी भी है। चंद्रमा के लिए 12 से 15 कैरेट का मोती पहनना चाहिए इनको, ये इनके लिए बहुत ही आवश्यक है। दूसरा, इस कुंडली में गुरु की राशि में ये जो 5 ग्रह बैठे हैं इनका कंट्रोलर कौन है, गुरु है, तो गुरु भी वृश्चिक लग्न के लिए तो अच्छा ग्रह है, इसलिए गुरु का भी स्टोन पहन लेना चाहिए। इससे गुरु क्या करेगा, शनि के प्रभाव को, जो लग्न के शत्रु ग्रह है, जो यहाँ पे अकारक ग्रहों का योग बना हुआ है, उनका फल कम हो जाएगा, दुष्प्रभाव कम हो जाएगा, तो पुखराज भी पहन लेना चाहिए। चंद्रमा का जप भी 1.25 लाख हो जाए केमद्रुम दोष की शांति के लिए, ये भी हो जाना चाहिए। अब इस कुंडली में अगर हम देखते हैं काल सर्प दोष नहीं बना है, यहाँ पर शनि मंगल सूर्य बुध और केतु हैं, लेकिन हम यहाँ पर शनि और सूर्य का अंधक दोष नहीं लेंगे क्योंकि सूर्य 16 अंश का है, शनि 5, सूर्य के समीप में एक तरफ बुध है एक तरफ मंगल है, तो यानी सूर्य सेफ हुआ है, सूर्य की युति मंगल के साथ और बुध के साथ है, केतु भी दूर है और शनि भी दूर है, इसलिए यहाँ पे दुर्योग बहुत अधिक नहीं बन पा रहे हैं,
कि जैसे सूर्य और शनि से अंधक दोष बन जाए, मंगल और केतु से अंगारक बने, ये सब बनता हुआ बहुत नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मंगल सूर्य और बुध की युति का प्रभाव अधिक रहने वाला है। हाँ, यह संतान भाव है। संतान भाव में इतने ग्रहों का होना, मंगल के साथ केतु है और राहु की दृष्टि है, संतान को लेकर के थोड़ी बहुत समस्याएं आएंगी। जैसे कोई संतान मिसकैरेज हो, संतान में खराबी आ जाए, संतान प्राप्त करने के लिए प्रयास अधिक करना पड़े, एक आध गर्भ नष्ट हो जाए, ऐसा कुछ योग बनेगा। अब इस कुंडली में अगर हम कैरियर का निर्धारण करें कि ये कौन सा काम करें, तो सबसे पहले इसी पे चर्चा करते हैं और बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर करना क्या है कि लग्न से दशम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है? सूर्य है। इस सूर्य को हमने नोट कर लिया। दूसरा आप यह देखिए, चंद्रमा से दशम भाव का स्वामी कौन सा है? चंद्रमा से दशम भाव का स्वामी मंगल है। अब अगला नोट कर लीजिए, सूर्य से दशम भाव का स्वामी, सूर्य से दशम भाव का स्वामी कौन है? गुरु है। ये तीन ग्रह हमें मिल गए। लग्न से दशम में कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा से दशम में कोई ग्रह नहीं है, सूर्य से दशम में गुरु है। यानी यहाँ पर लग्न से दशम में भाव खाली था, चंद्रमा से दशम में, अगर इन तीनों भावों से ग्रह मिलते तो हम उसे लिख लेते। अब यहाँ पर आप लग्न से दशम का स्वामी सूर्य लिखा आपने, चंद्रमा से दशम मंगल और सूर्य से दशम गुरु। और लग्न से दशम में कोई ग्रह नहीं है, छूट गया, चंद्रमा से दशम में कोई ग्रह नहीं है, छोड़ दिए, सूर्य से दशम में जो ग्रह है उसे फिर लिख लीजिए। ऐसे आपको करना है क्या कि लग्न चंद्र और सूर्य कुंडली से दशम भाव के जो स्वामी है उनको नोट कर लीजिए, लग्न सूर्य और चंद्र कुंडली से दशम भाव में जो ग्रह बैठे हैं उनको नोट कर लीजिए। जितने ग्रह बैठे होंगे उतना नोट करिएगा, अगर कोई ग्रह रिपीट होगा तो उसे रिपीट करते रहिएगा, लिख लीजिएगा। अब करना क्या है, सूर्य मिला, मंगल गुरु, गुरु। अब आपको यह देखना है कि नवमांस कुंडली में ये ग्रह किसकी राशि में है। अब यहाँ पर नवमांस कुंडली अगर आप आते हैं तो सूर्य को देखेंगे तो ये मंगल के घर में है यहाँ पर, लेकिन जो शेष आपके पास इकाई कितनी है, चार इकाई, चार ग्रह मिले हैं तो हम इसको चार इकाई मान के चलेंगे। इसमें से जो भी ग्रह एक अधिक बार एक राशि में बैठेगा वही फल लेना है। जैसे सूर्य तो हो गया मंगल के घर में नवमांस में, लेकिन मंगल को देखिए, गुरु को देखिए, फिर गुरु को देखिए, तो नवमांस कुंडली में मंगल किसके घर में बैठा है? शुक्र के। गुरु किसके घर में है? शुक्र के। गुरु किसके घर में है? शुक्र के। यानी अगर हम जो हमारे चार ग्रह पांच ग्रह जितने भी आए वो नवमांस कुंडली में किसके घर में सबसे ज्यादा बार बैठे हैं वो देख लेना है। तो यहाँ पे मंगल के घर में सूर्य बैठा है, मंगल को सिर्फ एक ग्रह सूर्य मिला, लेकिन शुक्र के मामले में क्या हुआ है कि चंद्र कुंडली से दशम भाव का स्वामी भी नवमांस में कहाँ है? शुक्र के घर में है। और सूर्य कुंडली से दशम भाव का स्वामी कहाँ है? शुक्र के घर में है। लगन से दशम में बैठा ग्रह, चंद्र से दशम में बैठा ग्रह कोई नहीं है, सूर्य से दशम में बैठा ग्रह फिर वही गुरु शुक्र के घर में है, यानी शुक्र बड़ा प्रबल हो रहा है। तो यहाँ पे जो मुख्य ग्रह निकल के आ रहा है कैरियर के लिए वो शुक्र आ रहा है, इसे मैं नोट कर लेता हूँ। अब आप यह देख लीजिए कि ये जो शुक्र आया एक जगह से, शुक्र हालांकि ज्यादा प्रबल हो रहा है क्योंकि शुक्र में दो ग्रह आ गए जबकि मंगल में सूर्य अकेला आया था। अब आपको यह देखना है कि मंगल और सूर्य दो मिले थे, पहला एडवांटेज शुक्र को मिल चुका है क्योंकि शुक्र की राशि में दो ग्रह बैठे हैं और मंगल में एक। अब यह देखिए कि ये शुक्र मंगल में लगन में बलवान कौन है? शुक्र बलवान है क्योंकि शुक्र अपनी राशि में बैठा है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो दशम भाव है उस दशम से दशम भाव होता है ये सप्तम भाव, तो ये जो शुक्र बैठा है दशम से दशम भाव में बैठा है। और एक बहुत रोचक चीज मैं बताऊं, इनकी दशमांश कुंडली आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दशमांश कुंडली का जो दशम भाव का स्वामी बन रहा है वो शुक्र ही बन रहा है। तो इनके लिए मैं डिसाइड करूंगा कि शुक्र ग्रह का कार्य करना इनके लिए पहले नंबर पे रहेगा, शुक्र ग्रह के कार्य में इनको कभी जीवन में जो है क्लाइंट की कमी नहीं रहेगी, सफल रहेंगे, शुक्र ग्रह का पहला काम।
दूसरा तरीका यह है कि लग्न कुंडली में जिस राशि में सबसे अधिक ग्रह बैठे हों, यहाँ पर गुरु की राशि में सबसे अधिक ग्रह है, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ है और यहाँ गुरु स्वयं भी है, तो शुक्र के साथ साथ दूसरा जो काम निकल के आता है वो गुरु ग्रह से जुड़ा हुआ काम निकल के आ रहा है, यानी शुक्र या गुरु से जुड़ा हुआ काम इनको करना चाहिए। गुरु ग्रह में आ जाता है MBA से जुड़ा हुआ, फाइनेंस से जुड़ा हुआ, एजुकेशनल और ट्रेनिंग पर्पस से जुड़े हुए काम। शुक्र ग्रह में कौन से काम आ जाते हैं, लग्जेरियस काम आ जाते हैं, फैशन आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है, तमाम सारे काम हैं जो कि जी इनको हम लिख करके अलग से भेज देंगे। उचित है कि आपने समझ लिया होगा कि किस ग्रह का काम करना है, ये कैसे निकालना है। तो ये हो गई काम की बात। अब बात कर लेते हैं इनके विवाह की। इनके सप्तम भाव का स्वामी कौन है, शुक्र है। चूंकि ये विष नवमांश में है और नवमांश कुंडली के लगन में देखिए दो क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, तो यह बात सत्य है कि इनकी पत्नी का स्वभाव जो है वो थोड़ा सा विषैला होने वाला है, थोड़ा उग्र बोल जाए, क्रूर बोल जाए, बहुत मीठी मिठास ना रहे स्वभाव में, ये सारी चीजें होने की संभावना बनी हुई है। विवाह की अगर हम बात करें तो शुक्र सातवें भाव का स्वामी है। विवाह कब होगा, पहले तो ये देखिए कि यहाँ कौन सी गिनती लिखी है, दो नंबर की गिनती। दो नंबर की गिनती की दिशा कौन सी होती है, दक्षिण। विवाह की दिशा निकालना भी इसी समय सीख लीजिए। सप्तम भाव में जो राशि लिखी है उसको नोट कर लीजिए, उसकी दिशा को, तो दक्षिण हो गया। सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा है उसकी दिशा को नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। शुक्र की भी दिशा क्या है, दक्षिण है। शुक्र कुंडली में जहां कहीं भी बैठा हो उस शुक्र से सातवें भाव में जो राशि हो और जो ग्रह हो उसकी दिशा नोट करिए, तो यहाँ पर आठ नंबर है, तो आठ नंबर की दिशा क्या होती है, उत्तर होती है, और यहाँ पर कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। कुल मिलाकर के दक्षिण का प्रभाव अधिक है, यानी विवाह की दिशा क्या होने वाली है, दक्षिण दिशा में विवाह होने वाला है। विवाह के समय की बात अगर की जाए तो सबसे पहले गोचर देखिए। अभी गुरु ग्रह का गोचर मेष राशि पे चल रहा है, अप्रैल तक चलेगा, अप्रैल 2024 तक। अप्रैल के बाद गुरु महाराज आ जाएंगे इनके इस सप्तम भाव में गोचर करने। जब भी गुरु ग्रह का गोचर सप्तम भाव से हो, सप्तम भाव पर गुरु की गोचर में दृष्टि पड़ रही हो, तो उस समय विवाह का की प्रॉमिस नजर आती है। इनकी अगर हम दशा देखेंगे तो शुक्र की महादशा भी चल रही है इनकी। शुक्र की महादशा, मैं महादशा भी आपको दिखा दे रहा हूँ इस समय इनकी, देखिए ये शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र सातवें भाव का स्वामी है, 2007 से 27 तक चलेगा। शुक्र में अभी शनि का प्रत्यंतर चल रहा है 29 दिसंबर 2023 तक, फिर उसके बाद बुध का समय आ जाएगा, यानी दिसंबर के बाद में बुध का प्रत्यंतर आएगा, और दिसंबर के बाद थोड़ा आगे जाएंगे तो अप्रैल बीतते बीतते गुरु भी सप्तम भाव में आ जाएगा। बुध इनकी कुंडली में अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है और बुध इस कुंडली में लाभ भाव का स्वामी है, जहां पर बुध की दृष्टि है। तो अगर सातवें भाव के स्वामी शुक्र की महादशा है, उसमें अंतरदशा जो है एकादश भाव के स्वामी की चल रही हो, द्वादश भाव के स्वामी की अंतरदशा चल रही हो, द्वितीय भाव के स्वामी की अंतरदशा चल रही हो, अष्टम भाव के स्वामी की अंतरदशा चल रही हो, तो विवाह हो जाता है। तो इनका विवाह इसी बुध के अंतर में होगा, यानी जो विवाह का समय निकल के आता है अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 के बीच का समय निकल के आ रहा है, यानी अगले साल इनका विवाह या तो मई जून में या नवम्बर दिसंबर के आसपास होने की गुंजाइश बहुत अधिक दिखाई दे रही है। विवाह की दिशा हो गई, विवाह हो गया, कैरियर का प्लेसमेंट हो गया। कैरियर की स्थिति कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी, क्योंकि जो हमने दो ग्रहों को निकाला है, एक तो शुक्र को, वह शुक्र भी स्वराशि में है, दूसरा जो गुरु आया है वह भी अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, यानी कैरियर के जो दो प्लैनेट हमें कुंडली में निकल के मिले थे वो दोनों कुंडली में ठीक स्थिति में है, इसलिए कैरियर ठीक रहने वाला है। पंचम भाव में अधिक ग्रहों के होने से इनको थोड़ा सा भविष्य में अपने कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखना है, ट्राइग्लिसराइड का ख्याल रखना है। इसके साथ साथ यहाँ पे सूर्य और शनि एक राशि में हो जाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है,
पेट का ख्याल रखना है, पेट का ख्याल रखें और हाइट का ख्याल रखना है, इनको ये दो चीजों पर ध्यान देना है। राहु एकादश भाव में अच्छा है, सारी मनोकामनाएं पूरी कराएगा। गुरु द्वितीय भाव से छठे भाव को देखेगा, शत्रु नहीं बनने देगा कोई, इनका बहुत विशेष शत्रु इनके पीछे पड़ जाए ऐसा कुछ भी नहीं है, शत्रुता नहीं है। गुरु अष्टम को देखेगा, आयु बढ़ाएगा, कर्म भाव को देखेगा, कामकाज बढ़ाएगा, यानी कैरियर वगैरह ठीक है। वर्तमान में इनकी कोई साढ़े साती नहीं चल रही है, क्योंकि कर्क राशि है, साढ़े साती वगैरह से इनको अभी फुर्सत मिली हुई है। अब चलते हैं इनके कुछ वर्ग कुंडलियों पर और वहां पर विश्लेषण करके जानने का प्रयास करते हैं कि जीवन में मेहनत और परिश्रम आदि का योग कैसा रहने वाला है। देश काल कुंडली के लगन में केतु बैठा है, लग्नेश मंगल है, नीच राशि में होकर के बैठा हुआ है, यानी कि थोड़ा सा परिश्रम की और जरूरत है इनको, फिजिकल एक्टिविटी कम है और छोटे भाई के सुख में थोड़ा सा दिक्कत दिखाई देता है। ऐसे में छोटे भाई होते नहीं, या होते हैं तो उनसे भविष्य में सपोर्ट नहीं मिल पाता। चतुर्थांश कुंडली का लगन ठीक है, लगन में कोई गड़बड़ ग्रह नहीं है, लेकिन लग्नेश अष्टम भाव में बैठा हुआ है, हालांकि गुरु के साथ है, राहु के साथ है, यानी कि जब भी ये अपने जीवन में उतावलेपन में जल्दबाजी में कोई काम करेंगे तो ये असफल हो जाएंगे। उतावलेपन में कभी कोई काम नहीं करेंगे तो सफल रहेंगे, धैर्य पूर्वक इनको काम करना है। जो हमारा शुक्र ग्रह कैरियर के लिए आया था वो देखिए देश काल कुंडली में भी स्वराशि का है, चतुर्थांश में भी स्वराशि का है, शुक्र ग्रह का काम इनके लिए पहले नंबर का है हमारी तरफ से। पंचमांश कुंडली देखिए तो पंचमांश कुंडली में भी यह शुक्र स्वगृही है, पंचमांश कुंडली में शुक्र लगन में ही बैठा हुआ है, स्वराशि का है, साथ में शनि है, ज्ञान विज्ञान और विचार इनका हमेशा ठीक ठाक अच्छा बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लगन अच्छा है और लगन पे गुरु की दृष्टि भी है। हालांकि गुरु नीच का है तो इनको किसी गुरु समान व्यक्ति से हमेशा सलाह लेते रहना चाहिए। षष्ठांश कुंडली के लगन में शनि बैठा है और लग्नेश जो है द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, छठे भाव में कोई खराब पोजीशन नहीं है ग्रहों की, शुक्र की दृष्टि है तो यहाँ पे इनकी जो थोड़ी बहुत शत्रुता हो सकती है वहां अपनी स्त्री से ही कुछ कुछ शत्रुता का व्यवहार रहेगा, शेष ठीक है। शत्रुता का व्यवहार मतलब लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो शत्रु होकर के इनके पीछे पड़ जाएगी, लेकिन स्त्री जो है इनको मानसिक तनाव देती रहेंगी। अगर सप्तमांश कुंडली देखें तो लगन ठीक है, लग्नेश बुध अष्टम भाव में आकर के बैठा हुआ है और यहाँ पर पंचम भाव में शनि महाराज बैठे हुए हैं और शुक्र छठे में है, तो लग्नेश छठे में है और पहले संतान का जो कारक शुक्र है वो छठे में है, तो पहली संतान से जो है इनको दिक्कत होगी, पहला मिसकैरेज वगैरह हो जाए इनका संतान, इस बात की संभावना अधिक है। अष्टमांश कुंडली से आयु का विचार होगा, लगन इनका यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है और इसका स्वामी जो शनि है नवम भाव में आकर के बैठा हुआ है, अष्टम भाव पे राहु और केतु की दृष्टि भी बनी हुई है, स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ हल्की फुल्की परेशानियां बनी रहेंगी। हालांकि लगन में लंबे गोचर वाला ग्रह गुरु बैठा हुआ है तो ये आयु देता है, लेकिन स्वास्थ्य में बाधाएं भी बनाए के रखता है, स्वास्थ्य में बाधाएं बनी रहेंगी लेकिन आयु अच्छी रहेगी। अब इनकी अन्य वर्ग कुंडलियों को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले दशमांश की ही देख लीजिए, दशमांश का जो लगन का स्वामी सूर्य है वह उच्च राशि में है। किसी भी वर्ग कुंडली का देखिए, मैं लगन आपको बताता क्यों चल रहा हूं, क्योंकि लगन ही सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ग कुंडली में, यानी इनको अपने काम काज में यश और प्रसिद्धि भी मिलेगी। दशम भाव में बुध बैठा है, व्यापार का दिमाग इनके पास बहुत अच्छा मिल जाएगा। गुरु बारहवें उच्च का होकर के बैठा है, भविष्य में हवाई यात्रा और बाहर जाने के भी इनके लिए बहुत अच्छे चांसेस बने हुए हैं। और यहाँ पे शनि राहु की युति है, गुरु की राशि में है, गुरु उच्च का है, शनि राहु की युति भी गुरु की राशि में ठीक है, शुक्र छठे भाव में है ये भी ठीक है, मंगल यहाँ व्यवसाय का स्थान है इसलिए यहाँ से सप्तम भाव पे दृष्टि डाल रहा है, पार्टनरशिप में भी ये व्यवसाय कर सकते हैं, पार्टनरशिप इनके लिए ठीक रहेगा। यही एक चंद्रमा जो चतुर्थ भाव पर नीच का है, तो ये जहाँ भी काम करें, जो भी इनका व्यवसायिक स्थल रहेगा उस व्यवसायिक स्थल पे इनको थोड़ी सी मानसिक अशांति की प्राप्ति होगी, व्यवसायिक स्थल पे स्त्रियों का दखल नहीं रखेंगे तो इनके लिए ज्यादा ठीक रहेगा। एकादशांश कुंडली से मनोकामनाओं की पूर्ति वगैरह देखी जाती है तो एकादशांश कुंडली इनकी
ठीक है, लगन में ही बुधादित्य योग बना हुआ है, मंगल लाभ भाव में ही जाकर के बैठा, मंगल और बुध का एक्सचेंज है, सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। द्वादशांश कुंडली देखिए, लगन ठीक है, लगने शनि भी ठीक होकर के बैठा है, चंद्रमा के साथ है, इनकी माता को इनके बारे में अधिक चिंता सताने की संभावना बन रही है। सूर्य तो भाग्य भाव में बैठा है, ठीक है, पिता का भाग्य इनको काफी अच्छा साथ देगा, लेकिन माता को हमेशा इनको लेकर के टेंशन रह सकती है। खोडशांश कुंडली से वाहन आदि के सुख का विचार होता है। खोडशांश कुंडली देखिए, लगन में ही शुभ ग्रह बैठा है, चतुर्थ में चतुर्थ का स्वामी स्वाग्रही है, तो वाहन का सुख काफी अच्छा बन रहा है, चार पहिया वाहन मिलेगा, अच्छा मिलेगा, शुरुआत में छोटा वाहन मिलेगा, फिर धीरे धीरे ये चूंकि शनि होता है तो ये ऑल ऑफ सडन सब कुछ नहीं देता, तो अपने प्रयास से पहले छोटा फिर धीरे धीरे बहुत अच्छे वाहन की तरफ ही अग्रसर हो जाएंगे। आध्यात्मिक उन्नति की बात करें तो यहाँ पे बृहस्पति का लगन है और बृहस्पति महाराज सप्तम भाव में गए हैं, पूजा पाठ में बहुत ज्यादा मन नहीं लगेगा, लगेगा लेकिन टिक नहीं पाएंगे, भावनाएं रहेंगी, विचार रहेंगे, लेकिन बैठ के पूजा पाठ करना इनके थोड़ा सा बस की बात नहीं दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर के इनकी कुंडली का जो विवाह और कैरियर मुख्य था वो मैंने बताया, स्वास्थ्य का मैंने बता दिया, कोई विशेष परेशानी इस कुंडली में नजर नहीं आ रही है। एक बार दशाओं को मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पर देखिए शुक्र की महादशा चल रही है, सप्तम भाव का स्वामी है, कैरियर सेट हो जाएगा इसी दशा में, इधर जो है शनि जब निकल जाएगा, शुक्र में शनि की दशा अच्छी नहीं जाती है, किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं होती, तो ये समय थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है। जब दिसंबर 2023 बीत जाए उसके बाद ये अपना काम अपना व्यवसाय शुरू करें तो इनके लिए अच्छा है, या नौकरी कर रहे होंगे तो इसके बाद और नौकरी में सुधार होगा, टीचिंग का प्रोफेशन हो गया, MBA हो गया, मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंस मैनेजमेंट हो गया, इन सारे क्षेत्रों में काम कर लें, या शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ काम कर लें, या नौकरी ही करें तो इनके लिए ज़्यादा ठीक रहने वाला है। फिर इधर सूर्य की महादशा आ जाएगी, ठीक है, सूर्य बुध और मंगल के प्रभाव में है, चंद्रमा की दशा भी ठीक ही जाएगी, दशाएँ इधर ठीक जाएंगी, दशाओं में कोई बहुत गड़बड़ी नहीं दिखाई देती है। सर्वाष्टक वर्ग अगर इनका देखा जाए तो लगन में 28 पॉइंट होने चाहिए थे, एवरेज पॉइंट है, एक पॉइंट कम है, कोई बहुत विशेष बात नहीं है, आयु और स्वास्थ्य को ठीक रखने का प्रयास करेगा। धन भाव में बड़ा अच्छा पॉइंट है, 33 पॉइंट है, और व्यय भाव में 29 है, और लाभ भाव में 32 है। ये जो धन भाव है, लाभ भाव है, इन दोनों के पॉइंट्स जो है इस भाव से अधिक होना चाहिए और अधिक है, यहाँ पर व्यय कम है, यानी जीवन में इनके आर्थिक विपत्ति कभी नहीं आने वाली है। एक होता ना कि चलो ठीक है, काम चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, खर्चा चल रहा है, कुछ बच रहा, लेकिन एक स्थिति होती है कि आर्थिक जीवन में प्रलय आ जाए, बहुत बेकार स्थिति कभी आ जाए, संकट में फंस जाए, तो वो स्थिति यहाँ पे नहीं है। यहाँ 40 पॉइंट है, मेहनत परिश्रम करें, 19 पॉइंट यहाँ पर बने हुए हैं, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है इनको जो है, यहाँ पे जब भी कोई ग्रह कुंभ राशि पे गोचर करेगा उस समय इनके जीवन में कंफर्ट की कमी करेगा, माता के ये स्वास्थ्य को भी बिगाड़ता है। संतान भाव में 26 है, ठीक है, शत्रु भाव में भी 26 है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, इस भाव में कम रहे वही ठीक है। पत्नी भाव में 29 है, लगन में 27 है, पति पत्नी में पत्नी हावी रहेंगे इनकी, यहाँ पर कम पॉइंट होना आयु को बढ़ाता है, भाग्य वृष से थोड़ा कम साथ देगा, कर्म वृष से अधिक करेंगे, लेकिन लाभ और मनोकामनाओं की सिद्धि जीवन में काफी अच्छी होती रहेगी। जब भी कोई ग्रह धनु राशि में गोचर करेगा तो अक्सर वो इनको धन दिला देगा, जब भी कोई ग्रह मकर राशि में गोचर करेगा उस समय इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जब भी कोई ग्रह कुंभ राशि में गोचर करेगा वो इनके जीवन से सुख और आराम की कमी करेगा, कोई भी ग्रह जब कन्या राशि में गोचर करेगा उस समय इनकी मनोकामनाएं पूरी करवाएगा। तो ये ओवरऑल इनकी कुंडली का हाल रहा है। उपाय के तौर पे मैंने शुरू में ही बता दिया है, मोती पहनना है इनको, पुखराज पहनना है, और चंद्रमा ग्रह के लिए इनको जप करवाने की जरूरत है, चंद्रमा के लिए इनको जप करवा लेना चाहिए, केमद्रुम दोष की शांति करवा लें। शेष काम का बता दिया मैंने, ये जो शुक्र विष्णु मांस में है इसके लिए कुछ उपाय नहीं करना, ये अपना रिजल्ट देगा ही देगा, थोड़ा सा कुंडली ढंग से मिला करके विवाह किया जाए, बस इसका यही एक उपाय बनता है।